उस्मान जी अभी आ गए ट्यूशन से? जी जी आ गए। आ गए हो? जी जी आ गए। किसी साथ आए हो? मैं भाई के साथ आऊँ। मामा जल्दी को आप उस वो लगी है उस खाने के दो। ठीक है जी बेटा जी मैं देती हूँ। ठीक है मामा भाई। ये लो। पेट में अगर कुछ ना होता तो होता ही है ना। जल्दी खाओ खाना। मामा पापा दे कई बार गए काम। होमवर्क करो ना अपना। जी मैं उर्दू का होमवर्क कर करो सही करना काम। ठीक पता है ना अभी तुम्हारे पेपर होने वाले। जी जी मुझे पता है। सही मेहनत से पढ़ा करो। अस्सलाम वालेकुम अजी बेटा क्या हाल है? ठीक हूँ। ठीक हो? क्या हो रहा है भाई? ये होमवर्क कर रहा हूँ। फलाना है सर में सख्त दर्द हो रहा है। बहुत सख्त दर्द सर अंदर सर दिमाग अंदर से खाली हो तो दर्द होता ही है ना। क्या मतलब मेरा दिमाग अंदर से खाली है? क्या कौन सा उम्र कर रहे हो? पापा जी उर्दू का। अच्छा जी मैं कब बड़ा होऊंगा? जब मामा की दादा के बाहर जा सकूंगा। घर से बाहर जा सकोगे? बेटा अब तक ऐसा वक्त हम पे नहीं आया था। हमें दादी के बाहर नहीं जा सकते तुम कैसे जा सकोगे? आप कहते हैं घर के मैं आपकी इजाजत के बाहर नहीं जा सकता। जहाँ दिल करता है आते हो जाते हो। कौन सा मेरी इजाजत लेते हो? ये कैसी बात करती हो? हाँ इजाजत लेनी पड़ती है। इजाजत लेनी पड़ती है। ये लें जी पानी। पापा जी पानी पी रहे हो? काम खत्म हो गया तुम्हारा के? जी जी बस खत्म हो गया अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अल्लाह। किधर गया ना वो? वो अंदर ही है। क्या बोला उसको भाई को? कुछ नहीं है ये अंदर ही। किधर गया है? जी वो है। ये रुमान आ गया जी। ये मेरा रुमान। ये मेरा बड़ा भाई। ये रुमान आपको बड़ा भाई है ना? कोई आपसे छोटा सा नहीं है? बड़ा है ना आपसे? बड़ा है। अच्छा मोहम्मद जी मेरी बात सुनो गौर से। देखो अगर जो अच्छे फरमानदार बच्चे होते हैं ना माँ बाप का हुक्म ऑर्डर मानते हैं तो दो तीन बातें मैं तुमको बताता हूँ। पढ़ाई पर तवज्जो दो नंबर वन। सही पढ़ो ठीक है अच्छी तरह। नंबर दो मोबाइल से खेलना गेमें वगैरह छोड़ दो। सही है अगर तुमने अच्छे नंबर पास होना है तो। और बेटा उस तरीके से परफॉर्मेंस मुतासर तो होती है ना पढ़ाई पसंद से। तीसरा टीडे खाया तो टीडे के साथ में खाना भाई टीडे मुझे नहीं पसंद। क्यों बट भाई ये तो वजह ना पता नहीं क्यों पसंद है शुरू से याद है तक मुझे नहीं पसंद। पूछती हूँ मिसाल के तौर पे अगर आपका पाँव किसी दूसरे के पाँव पे आ जाए तो आप क्या करोगे? मैं उससे सुलह कर लूंगा माफी मांगूंगा। सही कर लो शाबाश। तो अगर वो खुश हो गए आपको 10-20 रुपए दे दे तो फिर आप क्या करोगे? मतलब पता है क्या होता है? इस मुहावरे का मतलब ये होता है कि आप किसी से भला करते हैं ना तो दरिया में डाल मतलब भूल जाओ उसको जितना नहीं उसको कि मैंने तुम्हारे साथ ये भला की नेकी की है समझ लो ना। इससे वो नेकी आपकी नेकी नहीं रहती। फीस भी लीला करते हैं जो भी काम समझ गए ना अल्लाह को रजा के लिए अल्लाह को राजी करने के लिए समझ गए ना। फिर जिताना नहीं होता अगर आप बेटा मेरा पूरा महीना मेरा काम मानोगे ना उसके बाद मैं तुम्हें बहुत खूबसूरत सा बहुत ब्यूटीफुल गिफ्ट दूंगी आप। चलो वो तो ना पापा जी ले जाएंगे। वो कैसे पापा जी आप उसके बातों में मन नहीं करते? बेटा क्या करें बेगम है मुझसे
हम हमें मिल एक दूसरे के वो तो हाँ माना बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग चलना चाहिए ना। वो अगर मेरे भैया मैं तुम्हारी मामा है इसे तो नहीं चलना चाहिए आगे चलना चाहिए जो गवर्नमेंट होती है उसका हम मानना पड़ता है समझ गए ना। गवर्नमेंट होती है उसका इधर आ जा बेटे बैठ जा भाई के पास मेरा भैया है। मैं बना रही हूँ ये मिक्स सब्जियाँ जो बच्चों को पसंद तो नहीं है लेकिन पकाना पड़ता है क्या करें खाने का सामान कुछ नहीं खाता मैं खा रहा है ये ट्यूशन से आया ना इसके पेट में चूहे नाच रहे दो तीन घंटे होता है क्या करते हो पढ़ते हो ना क्या करते हो पार्क खोदते हो मैं कह गया था मेरी वो शर्ट जो है ना उल्टी करके इस्त्री करना नहीं हुई इतनी देर से मैं कोशिश कर रही हूँ जब उल्टी हो ही नहीं रही मैं कैसे इस्त्री करूँ होला वाला कुआ था ला बिल्ला। पापा जी मेरी ये बात सुनो पहले आपसे मामा बहुत ज्यादा गुस्सा करती थी अब नहीं करती आपने क्या इलाज किया है। हाँ बेटा इलाज क्या करना था बात आपस किया मामा के समय नहीं करना मैंने ना एक दिन कहती मैंने के देखे हैं कि इंसान जब बुढ़ापे में हो ना तो गुस्सा आ ही जाता है जब इंसान बूढ़ा हो जाए ना तो ज़रा उसको गुस्सा आ ही जाता है तो जैसे आप बूढ़े हो ना थोड़े आपको भी गुस्सा आता है। तुम्हारी मामा गुस्सा नहीं करती नहीं इसी के साथ अपने व्लॉग करते हैं तो हम आपसे देते हैं इजाज़त अल्लाह हाफिज़ और हमारी रिक्वेस्ट होती है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक और शेयर करें और दोस्तों का अच्छे से कमेंट करें जी। हमारा ये शार्ट सा व्लॉग था उम्मीद आपको पसंद आएगा जी उम्मीद है आपको पसंद आया होगा तो आपने ज़रूर हमको सपोर्ट करना और इंशाल्लाह इससे बेहतर ब्लॉग लाएंगे अच्छे अल्लाह हाफिज़ अल्लाह हाफिज़।